बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बाढ़ से हो रही त्रासदी की खबरों के साथ। पूरा बिहार इस वक्त बाढ़ की दंश को झेल रहा है। लगातार तस्वीरें न्यूज 18 के कैमरे के माध्यम से आप तक पहुंच रही है। बारात से लेकर लोगों की बेबस जिंदगी की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये नदियां कैसे किन किन जिलों को प्रभावित कर रही है सबसे पहले ये जान लेते हैं। जानिए कि कैसे नेपाल से भारत में ये नदियां आती है और हर वर्ष बिहार में ये त्रासदी दी जाती है। बिहार का कितना क्षेत्र कवर करती है पूरी जानकारी लीजिए। भीमनगर बराज से कोसी भारत में आती है, फिर सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया और खगड़िया तक ये नदियां जाती है। इतना ही नहीं, कटिहार होते हुए कुर्सेला के पास गंगा में मिल जाती है। इसके बाद अगर कोसी नदी की हम बात करें तो कोसी नदी हिमालय से निकलती है, नेपाल, भीमनगर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, खगड़िया, कटिहार इन जिलों को प्रभावित करती है। तो सबसे पहले नेपाल से निकलती हुई गंडक गंगा में जाकर मिलती है और उसके बाद ये जिले बहुत प्रभावित होते हैं। गंगा नदी तक की तस्वीरें आपने देख ली, समझ ली। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको लगातार यही समझा रहे हैं कि कैसे ये नदियां नेपाल से आती हैं, दूसरे पड़ोसी देश से, और भारत आकर बिहार के किन किन जिलों को प्रभावित कर जाती है। गंडक भी नेपाल के रास्ते ही बिहार में प्रवेश कर दिए। गंडक बराज से बिहार में आती है और बेतिया, बगहा, मोतिहारी, गोपालगंज, सिवान, छपरा होते हुए सोनपुर में गंगा मिल जाती है। अब आप ये भी जानिए कि कोसी और गंडक ही नहीं बल्कि भारी बारिश की वजह से और भी कई नदियां उफान पर हैं। इसमें कुछ खास नदियां हैं। उफान पर जो नदियां हैं वो है गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा और उसकी कुछ सहायक नदियां जो इस वक्त बाढ़ की त्रासदी पूरे बिहार में दिखने को मिल रही है इन्हीं नदियों की वजह से। कौन कौन से जिले बाढ़ से प्रभावित हैं वो भी जानिए। बिहार के बहुत सारे जिले इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं, लेकिन मुख्य तौर पर 12 जिले हैं। पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, सिवान, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और मधुबनी, ये सारे जिले इन दिनों बिहार में बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं और बाढ़ की वजह से बिहार के 12 जिले प्रभावित हैं। इन 12 जिलों के 20 प्रखंड भी प्रभावित हो चुके हैं, जिसके 140 पंचायतों में हालत और भी ज्यादा खराब हो चुके हैं। करीब 1,41,000 लोग अब तक प्रभावित हो गए हैं। बाढ़ से बचाने के लिए सरकार हर कोशिश कर रही है, हर जोर आजमाइश की जा रही है, लेकिन अलग अलग जिला में इसका असर देखने को मिल रहा है। प्रखंड पंचायत, ग्राम पंचायत, हर जगह पर लोग प्रभावित हो चुके हैं। 1,00,000 से भी ज्यादा की आबादी इस वक्त प्रभावित है। लगभग 1,50,000 के आसपास लोग बाढ़ के दंश को झेल रहे हैं। और देखिए, सुपौल से एक राहत भरी खबर इसी बीच आ रही है। लगातार कोसी नदी का डिस्चार्ज घट रहा है। बराज से 6,28,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। तटीय इलाकों में बाढ़ के हालात, तटबंधों की सुरक्षा के लिए जल संसाधन विभाग की टीमें दिन रात तत्पर है। तटबंध के भीतर 3,00,000 की आबादी प्रभावित हो चुकी है। लोग पलायन करने को मजबूर हैं। 30,000 से 40,000 क्यूसेक पानी प्रति घंटे दर्ज किया जा रहा है। इंजीनियर और प्रशासन कोसी तटबंधों का जायजा ले रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहत भरी खबर यह है कि डिस्चार्ज में थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन खतरा अभी भी मंडरा रहा है। 30,000 से 40,000 क्यूसेक पानी प्रति घंटे दर्ज किया जा रहा है। डिस्चार्ज की रफ्तार की बात हम कर रहे हैं। इंजीनियर और प्रशासन कोसी तटबंधों का जायजा ले रहे हैं। सभी अधिकारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। लगातार मॉनिटरिंग प्रशासन की तरफ से चल रही है, अधिकारियों की तरफ से, इंजीनियर की तरफ से लगातार ये मॉनिटरिंग की जा रही है कि किसी भी तरीके का कोई खतरा अगर होता है तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जा सके। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, घट रहा है कोसी बराज का पानी। राहत भरी खबर यही है, 6,28,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हुआ है, जिसकी वजह से 3,00,000 की आबादी प्रभावित हो गई है, लेकिन अभी भी खतरा मंडरा रहा है। भले ही रफ्तार में थोड़ी कमी आई हो, 3 अलग अलग तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर है और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि बाढ़ किस वजह से लोगों की जिंदगी को बेबस तो कर ही चुकी है, असहाय लोग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो जल प्रवाह है, ये जो प्राकृतिक आपदा है, वो हर वर्ष बिहार को झेलनी पड़ती है। पहली तस्वीर आपको बगहा से गंडक बराज की दिखा रहे हैं।
दूसरी तस्वीर गंडक और तीसरी कोसी नदी की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि बिहार में जो तीन मुख्य नदियां हैं वो बाढ़ को हर साल लाती हैं और इस त्रासदी को बिहारवासी हर साल झेलते हैं। और सुपौल में लगातार घट रहा है कोसी का डिस्चार्ज। बराज से 6,28,000 क्यूसिक पानी का डिस्चार्ज तटबंध के भीतर की 3,00,000 की आबादी को प्रभावित कर रहा है। इतना ही नहीं, 30,000 से 40,000 क्यूसिक पानी प्रति घंटे दर्ज किया जा रहा है। तटबंधों की सुरक्षा के लिए जल संसाधन विभाग लगातार अलर्ट मोड में है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर यह दबाव घट गया है। गंडक नदी में डिस्चार्ज हो रहा है 5.25 लाख क्यूसिक पानी का डिस्चार्ज। नेपाल की नारायणी नदी धीरे धीरे शांत हो रही है। नेपाल के तराई इलाकों में बारिश थोड़ी कम हुई है। जल संसाधन विभाग की टीम दिन रात तत्पर है। कोशिश ये जारी है कि किसी भी तरह से लोगों को परेशानी ना हो, और ये तस्वीरें लगातार हम आप तक इसीलिए पहुंचा रहे हैं ताकि आप भी इस बाढ़ की त्रासदी को देख सके, समझ सके। हमारे न्यूज 18 संवाददाता जगह जगह से लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, और इस वक्त सुपौल से संवाददाता रवीश नारायण हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पूरी जानकारी दे देते हैं कि सुपौल में बहने वाली कोसी नदी लगातार उफान पर है। हर वर्ष यहाँ के लोग इस त्रासदी को झेलते हैं, लाखों की संख्या में लोग पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं, और वही तस्वीरें सुबह से न्यूज 18 के कैमरे के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि कैसे बेबस लाचार लोग अपनी जिंदगी में असहाय महसूस कर रहे हैं। अपने आशियानों को अपनी आंखों से ना सिर्फ तोड़ते हैं बल्कि डूबते हुए भी देख रहे हैं, और ये तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचाने का हमारा यही मकसद है। सरकार तक भी ये तस्वीरें पहुंचे और हर संभव मदद सरकार की तरफ से लोगों तक पहुंचाई जाए, ये कोशिश की जा रही है। और चलिए अब आपको अगली खबर भी बता देते हैं। बगहा से ये खबर आ रही है, जहां वाल्मीकि नगर गंडक बराज से गंडक नदी में फिलहाल 5,25,000 क्यूसिक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। गंडक बराज के सभी 36 फाटकों को खोला रखा गया है, जिससे तबाही का पानी निचले इलाकों तक पहुंच रहा है। हालांकि देर रात तक जलस्तर बढ़कर 5,75,000 क्यूसिक तक पहुंच गया, लेकिन अब इसमें थोड़ी गिरावट जरूर दर्ज की गई। तो बगहा की तस्वीरें देख ली, सुपौल की तस्वीरें देख ली, और ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे संवाददाता सुबह से ही आप तक एक एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं सुपौल से न्यूज 18 संवाददाता रवीश नारायण, और तस्वीरें हम उनके माध्यम से देखेंगे। रवि, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, पहले वो जानकारी दीजिए और उसके बाद तस्वीरें भी दिखाइए। जी बिल्कुल, देखिए मैं फिलहाल सुपौल के जो मुरार गांव है वहां पे मौजूद हूं, और जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल डरावनी है। देखिए मुरार हो, बलवा हो, कई ऐसे गांव है जिसका सुपौल से पूरी तरह से संपर्क टूट गया है, और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोग जो है अपने अपने इलाकों से, गांव से निकल करके और मुख्य सड़क के जरिए जो है वो यहाँ तक पहुँच रहे हैं, तटबंध की ओर जा रहे हैं। और ये आपको बता दें कि ये मुख्य सड़क है, यहाँ पे छोटी ब्रिज भी बनी हुई है और उसके ऊपर से पानी जो है वो बह रहा है। और इन तस्वीरों के जरिए हम आपको कहेंगे, थोड़ा कैमरा पर्सन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस कदर पानी का जो है वो रफ्तार है, और कोसी ने किस ढंग से निचले स्तर पे जहाँ जहाँ से पानी पहुँच रही है तटीय इलाकों में, वहाँ पे परले किस ढंग से ये मचाना शुरू की है। अगर घरों की स्थिति अगर कहेंगे तो घरों की स्थिति आप जरा देखिए कि किस कदर जो है वो घरों की स्थिति हुई है। पूरी तरह से जो है घर जो है वो जमींदोज हो गए हैं। तो ये है कि लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। हमारे साथ जो हमारे जो स्थानीय संवाददाता जो अमित है वो भी है, जो सुबह से लगातार कवरेज कर रहे हैं। अमित, एक तो कि थोड़ी राहत वाली खबर है कि नेपाल से जो कोसी बराज से पानी है वो थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन तटीय इलाकों में जो पानी पहुंच रहा है वो इसकी स्थिति बड़ी भयावह है। देखिए अभी बराज क्षेत्र में जिस रफ्तार से पानी गिर रहा है, ये सबसे बड़ी राहत की खबर है। और सबसे अभी जो 5-7 घंटे का ड्यूरेशन होता है तो उस वहां से पानी यहाँ आने में, तो अभी रात तक यहाँ की स्थिति इसी तरीके से बनी रहेगी। और जिस जगह पे अभी हम खड़े हैं, कल मैं इसी जगह पे आया था तो यहाँ पे ये पूरी सड़क सूखी हुई थी, लेकिन आज आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पानी भरा हुआ है, लोगों के घरों में पानी चला गया है। स्थिति इतनी विकराल हो गई है कि आपने एक स्पर भी देखा जो किस तरीके से वो टूट गया है तटबंध पर। लोग एक बात को लगातार कह रहे हैं कि
यहाँ पे नाव की जो व्यवस्था है उसकी मांग लगातार लोग कर रहे हैं कि नाव जो है वो मुकम्मल तरीके से मिल नहीं पा रहा है, जो जरूरत की चीजें हैं जो बांध पर शरण ले रहे हैं उनको नहीं मिल पा रहा है। देखिए प्रशासन ने नाव की कई बहुत सारी व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन होता क्या है जो नाव जो चला रहे हैं लोग उनकी अपनी भी रोजमर्रा की जरूरतें हैं, उन्हें भी बाहर निकलना है, तो ऐसे में जरूरत है कि एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर आए और लोगों को का रेस्क्यू करे। जो गाँव वाले हैं उनसे भी बात करते हैं, कहाँ से निकल के जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम बैरिया पंचायत मुंगरार वार्ड नंबर 9 से सर, कल किसी तरह जो है ना और सब बच्चों को लेकर के इधर आए, और बाकी जो है हमारा 15 आदमी हमारा रिश्तेदार भाई वगैरह फंसा हुआ है। सुबह से जो है सरकारी कर्मचारी से कई से बात किए, मुखिया से वार्ड सदस्य से बात किए, जो किसी तरह जो है नाव का व्यवस्था करिए जो वो 15 आदमी को वहाँ से निकाला जाए। स्टीमर का जो है कोई साधन नहीं है। सर बाढ़ की स्थिति बहुत भयावह है। अभी ये है हम टीचर हैं लेकिन वहाँ से हमको आना पड़ा है, मूल्यांकन कार्य में हमको दे दिया है मध्य विद्यालय बवनी में। हम आपसे अपील करेंगे, हम आपसे यही बात करेंगे। रवि लोगों की बहुत सारी परेशानी है और वो परेशानियां हम लगातार अब सरकार तक पहुंचाने की कोशिश आपके माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन बगहा की तस्वीरें भी अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखाना चाहूंगी। बगहा से न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बगहा से इस वक्त क्या अपडेट आ रही है मुन्ना, क्या जानकारी है आपके पास? वाल्मीकि नगर गंडक बराज से एक सबसे बड़ा अपडेट हम देने की कोशिश कर रहे हैं आपको। वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है, तो बिहार के लिए एक बड़ी खबर है कि वाल्मीकि नगर गंडक बराज में जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है। और फिलहाल वाल्मीकि नगर गंडक बराज की हम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वाल्मीकि नगर गंडक बराज का जलस्तर नीचे गिरा है और यह जलस्तर पहुंचकर 4,70,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है, तो निश्चित तौर पर बिहार के लिए बड़ी राहत की खबर है कि जिस तरह से गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था तो अब वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर जलस्तर गिरा है और जलस्तर गिरकर यह 5 लाख से नीचे आ गया है और फिलहाल नदी में 4,70,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। तो निश्चित तौर पर तस्वीरें दिखा रहे हैं वाल्मीकि नगर गंडक बराज की, अब भी गंडक बराज के सभी 36 फाटकों को खोल कर रखा गया है और देख सकते हैं किस तरह से पानी का दबाव लगातार गंडक बराज पर बना हुआ है। लेकिन जो अपडेट अभी वाल्मीकि नगर गंडक बराज के कंट्रोल रूम से मिला है तो निश्चित तौर पर बिहार के लिए राहत भरी खबर है कि जिस तरह से गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था उसके बाद गंडक नदी का जलस्तर अब नीचे धीरे धीरे गिरना शुरू हो गया है। और नेपाल की बात करें तो नेपाल की नारायणी नदी गंडक बराज तक आती है और वही नदी आगे गंडक नदी बनकर आगे बढ़ती है, तो नेपाल के तराई इलाकों में लगातार मौसम साफ हुआ है। हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि सामने आप नेपाल के पहाड़ों की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, तो मौसम बिल्कुल साफ हो गया है और उन इलाकों में बारिश फिलहाल नहीं हो रही है, उसी का कारण है कि नारायणी नदी के जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई और नेपाल के नारायणी नदी के जलस्तर में हम देख पा रहे हैं। एक राहत भरी खबर जरूर है कि जलस्तर में थोड़ी कमी नजर आई है। लगातार आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए, न्यूज 18 के माध्यम से लगातार तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन